आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे साईं मेरा विश्वास लाइव में। अब भक्तों से रूबरू होंगे, उनसे बात करेंगे। चलते हैं हमारे कॉलर की तरफ, उनसे बात करते हैं। ओम साई राम। हाँ जी, आप बाबा के बारे में क्या बताना चाहते हैं? हाँ जी, मेरा एक एक्सपीरियंस है जो मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरे पाँव में बहुत सीवियर पेन था, मतलब इतना ज़्यादा पेन था कि मैं अपना पैर उठा भी नहीं पा रही थी। तो उसके थोड़े दिन बाद मैं बस बाबा से प्रार्थना कर रही थी कि बाबा मेरा पैर ठीक कर दो, आप कैसे भी करके ठीक कर दो। तो उन्होंने इस थर्सडे, मैं जब मंदिर जा रही थी तो अचानक ही, मतलब मंदिर से वापस लौट रही थी तो मेरा पाँव एकदम, मतलब ऐसे लगा जैसे किसी ने प्रेशर डाला है उस पर। तो प्रेशर डालने के बाद थोड़ी देर मैं वहीं खड़ी रही, फिर मुझे लग रहा था कि शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। फिर मैंने वहाँ पर बाबा का नाम लिया, फिर बाबा को पुकारा, उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा मतलब चल पा रही थी। तो मैं डेली मंदिर जाती हूँ, मंदिर जाना तो मैं नहीं छोड़ती। तो मतलब मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि अभी आज मंदिर मत जाओ, जो दिया जलाना है तुमने वो घर में जलाओ। मैंने कहा नहीं, मैं वहीं जाके जलाऊंगी। मैं वहाँ गई, लौट कर मेरे साथ ये सब हुआ। उसके बाद घर आई, घर पे आके बहुत ज़्यादा पेन हुआ। उसके नेक्स्ट डे हमारा एक नेशनल कंपटीशन था अबकस का, आई एम एन अबकस टीचर। मुझे बच्चों को परफॉर्म कराना था, उनको डांस वगैरह सिखाना था, मतलब इवन मैं उनको डांस के स्टेप भी नहीं बता पा रही थी पैर की वजह से, पैर के मूवमेंट पे उनको ठीक से क्लियर नहीं कर पा रही थी। उसके बावजूद मैंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा एक दिन के लिए मुझे शक्ति दे दो, 28 अप्रैल को मेरा ये जो कॉम्पिटिशन है ये अच्छे से हो जाए। बाबा ने मेरी सुनी। उसके बाद मैंने वो कॉम्पिटिशन में, वहाँ मुझे ज़्यादा काम तो नहीं दिया गया, मुझे सिर्फ रिसेप्शन पे मतलब बोल दिया कि आप रिसेप्शन पे बैठो। ठीक है, मैं वहाँ रिसेप्शन पे बैठ गई। उसके बाद जब कल्चरल प्रोग्राम शुरू हुए, जब मेरे बच्चों का परफॉर्मेंस था, तब मैं वहाँ गई, सब कुछ अच्छे से मैंने किया। मतलब मुझे फील ही नहीं हुआ कि मेरे पैर में कुछ दर्द है या कुछ ऐसा है। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि अगर दिल से पुकारा जाए तो बाबा ज़रूर सुनते हैं, अपने भक्तों के संकट हरने वो दौड़े दौड़े आते हैं। और एक और एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगी जी कि जी अभी 1 साल पहले मैंने गाना शुरू किया है, मैं बाबा के भजन लिखती हूँ। मतलब कुछ ऐसी कृपा हुई है बाबा की कि मुझसे भजन अपने आप ही बनते हैं, अपने आप ही धुन तैयार होती है, अपने आप ही सब कुछ होता है और मैं गाती भी हूँ। अभी तक मैंने बाबा के 20-25 भजन बनाए हैं, लेकिन मुझे कोई दिशा नहीं मिल रही कि मैं उनको कैसे परफॉर्म करूँ। आज ही मेरी साईं लीला टीवी से बात हुई, मैंने उनको ये सब बताया तो उन्होंने कहा ठीक है, आज आप अपना एक परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी उन्हें, और एक बाबा जी का भजन मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। ओम साई राम, जय साई राम। ऐसी कृपा करो साई राम, ऐसी कृपा करो साई राम, मैं साईया तेरे गुण गाऊं बाबा, मैं साईया तेरे गुण गाऊं, सब कुछ संभालो साई राम, मैं साईया तेरे गुड़गाऊं बाबा, मैं साईया तेरे गुड़गाऊं, दूर करो साई मेरे अंधेरे, दूर करो साई मेरे अंधेरे, हाँ दूर करो साई मेरे अंधेरे, चरण पड़ूं मैं तो साईया तेरे, मेरी बिगड़ी बना दे साई राम, मैं साईया तेरे गुड़ गाऊं बाबा, मैं साईया तेरे गुड़ गाऊं, सुबह शाम करूँ याद मैं तुझको,
सुबह शाम करूँ याद मैं तुझको, हाँ सुबह शाम करूँ याद मैं तुझको, दर्शन दे दे साईया मुझको, मैं भी दर तेरे आऊँ साई राम, मैं साईया तेरे गुण गाऊँ बाबा, मैं साईया तेरे गुण गाऊँ, डर से तेरे कोई खाली नहीं लौटा, डर से तेरे कोई खाली नहीं लौटा, हाँ डर से तेरे कोई खाली नहीं लौटा, फिर क्यों लेते हो मेरी परीक्षा, मुझे अपना बना लो साई राम, मैं साईया तेरे गुण गाऊं बाबा, मैं साईया तेरे गुण गाऊं, ऐसी कृपा करो साई राम, मेरी बिगड़ी बना दो साई राम, मैं भी दर तेरे आऊं साई राम, मुझे अपना बना लो साई राम, मुझे गले से लगा लो साई राम, मैं साईया तेरे गुण गाऊं बाबा, मैं साईया तेरे गुण गाऊं, ओम साई राम जय साई राम, ओम साई राम, ओम आपका साई बहुत राम, बहुत शुक्रिया हमसे आपका जुड़ने बहुत के बहुत लिए। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, थैंक यू। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज।